में तस्करों से गाय को बचाने के लिए निकले सोनू सरपंच की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि फिरोजपुर झिरका के महू चोपता गांव के पास 15 जून को गौ तस्करों ने खूनी खेल खेला था। गौवंशों को बचाने के दौरान तस्करों ने सोनू सरपंच को गोली मार दी थी, जिसके बाद पिछले 1.5 महीने से सोनू सरपंच का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। पिछले काफी दिनों से सोनू की हालत गंभीर बताई जा रही थी। बीती रात सोनू ने मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए गौरक्षक दलों ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अपने साथी की गई जान का बदला लेने की बात करते नजर आ रहे हैं। घड़ी है, दुख का क्षण है, ये हमारे साथी थे, हमारा हाथ था एक भाई के लिए, भाई का जो हाथ होता है वो हाथ कट गया हमारा, और हमारे एक गोरक्षा के एक स्तंभ हमारे बीच से चले गए। तो ये एक दुख की घड़ी है सभी गोरक्षकों के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए एक दुख की घड़ी है, और सनातनों के लिए डूब मरने की बात है कि आज गो तस्करों का इतना आतंक हो चुका है कि हिंदुओं के बीच में से, हिंदू शहरों के अंदर से गो तस्कर आते हैं, गोरक्षकों को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं होती जिसके लिए संतुष्टि मिले। आज एक परिवार का लाल चला गया, आज एक बहन का भाई चला गया, आज एक माँ का लाल चला गया, लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को नेता कहते हैं या सनातन के लिए कुछ कहते हैं, वो आज यहाँ हमारे बीच नहीं है। एक बहुत ही दुख की घड़ी है। सरेआम मेवाती आते हैं, गुड़गांव में घुसते हैं, फरीदाबाद में घुसते हैं, भिवाड़ी में घुसते हैं, गौ तस्करी करते हैं, गौओं को उठा के लेके जाते हैं, और सरेआम जो तस्करों को गोली मारते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज सोनू भाई को गोली मारी, उससे पहले विक्रांत को मारी, उससे पहले और काफी भाइयों को गोलियां लगी हैं, मोनू को मारी। सभी गोरक्षक जो हैं इन जुल्मों से सहते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो तस्करों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी प्रशासन मौन है। बता दें कि गौ तस्करों ने एक गौरक्षक को कथित तौर पर गोली मारी थी। पीड़ित की पहचान रेवाड़ी जिले के सोनू सरपंच के रूप में हुई थी। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। गौ तस्करी हरियाणा के नूह, पलवल, फरीदाबाद जैसे इलाकों में आम बात हो गई है। तस्करों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने आए दिन सख्ती बरती हुई है, जिसमें गौरक्षक दल और बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करी पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं अब सोनू सरपंच की मौत के बाद गुरुग्राम में मामला गर्माता नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि इसमें गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।